हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं भुट्टा मतलब दीदी देख सकते हैं काम कर रही है। काम करने के बाद भुट्टा उट्टा हम लोग खाएंगे। तो प्लीज आप लोग लास्ट तक बने रहना। अभी आप लोग मेरा घर देख लीजिए और दीदी काम कर रही है, देखिए इतना काम करती है बेचारी, इतना सारा काम। और वो देखिए मेरा मिठाई बचा हुआ है, एक एक सीटी मतलब पास कर रही है सब। तब तक सुबह तक देखिए कैसे हंस रही है। और मिठाई के नाम लेते हैं तो इतना हंसती हैं ये, क्योंकि हमको मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप लोग देख सकते हैं उसी पे मेरा ध्यान है। रात को मैं सोई थी तो तब मतलब बार बार मेरे जो नींद है खुल जा रही थी, मेरी आँख खुल जा रही थी, बार बार याद आ रहा था कि अरे मिठाइयाँ कहाँ हुई। क्योंकि आप लोग को पता है बहुत ज्यादा महंगा मिला है, इसीलिए टेंशन हो रही है। एक बार खराब हो जाएगा तो फिर कहाँ से। वाह प्रेरणा दीदी, तो बने रहिए आगे तक मेरे इस क्यूट से ब्लॉग में। देखिए फिर से खा रही है कैसे। मतलब खाती है तो ना इधर देखेंगी ना इधर, बस खाते रहेंगे खाते रहेंगे, अपना पूरा जल्दी से कैसे भी खत्म करना है। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग भुट्टा खा रहे हैं ना दीदी। ये कितना खरीद का आया था? 36 रुपए लग गए थे मैं। आप खरीद कर ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बाकी खरीद के लाई है, लग रहा है कि उसको भूजा भूजेंगी अभी। अब बोल रही है कि का बाल आई भाई, एकदम गजब के बाल मिल भाई भाई। पूछिए बस। तो फ्रेंड्स, ये भुट्टा और रक्षाबंधन है कल ही, तो मेरा जो भाई है उसको हम बोले थे कि मोमोज लेते आना, तो आजकल बहुत कर रहा है ना दीदी। बोल रहा था नहीं रहा। हाँ, अब खुद ही कल कब पूछ रहा है कि कौन सा मोमोज खाएगी, सोयाबीन वाला के पनीर वाला। हमको सोयाबीन वाला अच्छा लगता है और सस्ता में भी हो जाता है ना दीदी। और पनीर वाला बहुत महंगा मिलता है। और सोयाबीन वाला कितना मिलता है? 10 रुपए में कहूँ दीदी, 5 मिलता है, 4 मिलता है शायद, मतलब 4 मिलता है। और पनीर वाला कर देगा 2, अब इसमें फायदा है। वैसे भी मतलब बहुत आजकल मतलब मोमोज खाने से बीमारी हो रहा है। तो मैं सच्ची बोलूँ ना तो 1 महीना से मैं मोमोज ही खा रही हूँ और 2-3 बार मैं खाई है ना दीदी। जो भी डिश मैं खाती हूँ ना उससे कुछ ना कुछ बीमारी निकल ही जाता है। एक बार किसमें ये लीची मतलब उसी साल हम लोग खाना स्टार्ट किए थे लीची, ठीक है, तो क्या हुआ लीची में बीमारी आ गया था ना दीदी, तो वो भी छोड़ना पड़ा। अभी मोमोज भी छोड़ना पड़ेगा, ये आखिरी खा रही उसको छोड़ दूंगी मैं मोमोज भी। हाँ चंकी बुखार था वो, बहुत ही डेंजरस साबित हो रहा था ना दीदी। अभी हम लोग तो खा रहे हैं भुट्टा ना दीदी। आपको तो पता है जब भी भुट्टा में हिस्सा लगता है इसको मतलब अच्छे से पकाने के बाद तो बोलते हैं कि हेने वाला ले, हेने वाला जगह क्या दी है आप, आधा ऊपर का हिस्सा दी है, नीचे वाला पूरा ये लेती है। खीरा भी रहता है तो खीरा में भी बोलती है हमको जड़ वाला देना, जड़िया वाला हमारा भूख मसला है, हमको ऊपर वाला देंगे किसी को भी, मतलब ऐसा ही होता है। और अगर पुचका आ जाए, पुचका आपका हिस्सा अच्छे से मिल जाएगा, मसाला जो है वो भी आपको ज्यादा दे देंगे, लेकिन मजाल है कि पानी में से थोड़ा भी ज्यादा आपको कम ही पानी देंगे। अब बोलेंगे पानी में बस मिला लीजिए, पानी हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा होता है मेरे घर पे। क्या कर रही है? कल रक्षाबंधन है मेरे घर पे, बनेगा क्या बनेगा दीदी? कल पूरी बना दीजिए, पूरी हाँ खीर पूरी सब्जी। मेरे पापा जी को बहुत पसंद है, मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल। मेरी जितनी भी गोटिया फैमिली है उनको चरा भी रहे हैं, मतलब घास वगैरह ला रहे हैं, और जितना भी खेत में घास था मतलब मेरे पापा जी अकेले किया है उन्होंने। पता है हम लोग घर से बाहर हैं, घर पे अभी नहीं है तो इसीलिए, और मम्मी से नहीं हो पाता है, मेरी मम्मी थोड़ी सी बीमार ही चलती हैं, तो इसीलिए दीदी फिर भी मम्मी कर ही देती है ना। पैसा देख
सुहाया गया था, घास इतना ऊपर दोबारा निकल गया घास, इसलिए दोबारा निकल गया वो नहीं सुहाएगा ना धान भी नहीं, तो हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बताइए तो फ्रेंड्स, सॉरी मैं आप लोग को मोमोज दिखाने वाली थी क्योंकि मतलब मैं अपने भाई को बोली थी लाने के लिए, तो लाया, लेकिन इतना टेस्टी था, इतना अच्छा लगा था कि हम भूल गए कि ब्लॉग वीडियो में भी दिखाना है। और खा लिए जल्दी जल्दी, खाने के बाद ना मतलब याद आया कि पानी भर के लाए कल पर से, तो मैं डिब्बा दिखा देती हूँ, प्लीज आप लोग गलत मत समझना। देखो मोमोज आया था दो जगह 10-10 रुपया का, तो दीदी हंस रही है, तो इतना टेस्टी था कि याद ही नहीं आया कि ब्लॉग वीडियो बनाना है, जल्दी जल्दी खा ली उसके बाद याद आया पानी पीने के बाद कि ब्लॉग वीडियो बनाना था। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और देखिए कैसे हंस रही है कब से। इतना टेस्टी था ना कि क्या बताए, खा गई पूरा, उसके बाद याद आया कि बनाना है ब्लॉग। फ्रेंड्स खाओ के पानी पी लिए उसके बाद से बोली अच्छा दीदी ब्लॉग तो बनाएगी। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। फ्रेंड्स आप लोग की सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है मैनेज करना, इतना कुछ चलाना, और जो भी है मतलब इसी से चलाती हूँ मैं, आप लोगों को भी पता है जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्थिति है उसको मैं सुधार करने भी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रही हूँ, बस मेहनत कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए सब कुछ, हमारी लाइफ भी नॉर्मल हो जाए। और फ्रेंड्स आप लोग को पता है कुछ लोग भी मतलब कुछ लोग जो है जो कि हमारे घर पे थे वहां पर भी पीछे पड़े थे, यहाँ पर भी आ गए हैं, यहाँ पर भी पीछे पड़ा है सब, ये बातें वो बातें ऐसी है सब, वो मतलब बहुत सारी ऐसी बातें। आप लोग को पता है लड़की होना ही, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़की होना ही बहुत मुश्किल है, अगर आप एक औरत हो तो फिर झेलना तो पड़ेगा सब कुछ ना दीदी, आप सही करो गलत करो लोग गलत ही बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे इन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे पता है कि मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। और जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट जीरो से यहाँ तक किया है आप लोगों ने, वैसे ही सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, आप लोग हो तो मुझे हिम्मत मिलती है। फ्रेंड्स मैं यहाँ तक बाहर तक आई हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊंगी, और आगे भी तभी जा पाऊंगी जब आप लोग सपोर्ट करोगे। तो आप लोग देख सकते हैं घर पे फ्रेंड्स गैस खत्म हो गया, छोटा वाला सिलेंडर है वो खत्म हो गया है, पैसा नहीं है कि भरवाएं, तो यहीं पे खाना बनाए घर का भी, इसीलिए दीदी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग देख सकते हो इतना समय, अभी 3:30 बज रहा होगा, ठीक है, तो अभी से दीदी खाना बना रही है क्योंकि 5 लोगों का खाना बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी को यहाँ पे मम्मी अभी आएंगी, आने वाली है, यहाँ पे आएंगी उसके बाद खाना लेके घर पे जाएंगी, तो इसीलिए अभी खाना बन रहा है ना दीदी, क्या बना रही है? रोटी सब्जी बन रहा है मेरे घर पे, घर के लिए भी, मम्मी पापा के लिए भी, गोटिया फैमिली के लिए भी, और हम लोग यहाँ पे 3 लोग हैं, और 2 जो संख्या मीठी और हीरो है उनका भी तो संख्या है ही, तो 7 लोगों का, 7 लोगों का क्या मतलब, मेरी गोटिया फैमिली भी एक एक रोटी खाती है सब ना दीदी, पूरी की पूरी, तो वो सब है 10-12 गो है, गुंडू बाबू, गुंडू बाबू पता है आप लोग कैसे देखता है, ऐसे गुस्से में देखता है, ऐसे खर खर ऐसे लगता है कि बोलता है काट दे, एकदम प्यारा सा खोसी है वो, बहुत ही प्यारा है। तो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और जो कमेंट में बताना कि क्यूट सा प्यारा सब लोग आप लोग को कैसा लगा, दिल से सॉरी फ्रेंड्स इतना टेस्टी था कि खा गई इसके बाद याद आया कि दिखाना भी है, लेकिन कल मेरे घर पे खीर पूरी बनेगा ना दीदी, खीर पूरी सब्जी, तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि वो बहुत ज्यादा बनेगा। अब मोमोज था 4-4 गो, तो 4 बार में खा गई पूरा ना दीदी, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, और पूरा गलती इस जुबान का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए और कमेंट भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, अभी तो कुछ भी मेकअप नहीं किया है, आप लोग देख सकते हो चेहरा मेरा, देखो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।